नहीं पता, आप देखते देखते सवा साल हो. Without much ado, let me quickly share this invite link to Kanan, and he will be more than happy to join us. Yes, I have sent him a request. Hi, Kanan. Hey, hi, hi, Yudin. How are you? I am very well. What about you? I'm very good, yeah. Thank you. Thank you so much for joining, and a very good evening. Worries, welcome to the show. Good evening, good evening. Thank you so much, yeah. Yes. And Kanan, firstly, I want you to, you know, say a hi, hello to all your fans. Hi everyone. हाँ, actually यार मैं सबसे पहले तो सारे fans, सारी family, Insta family को ही बोलना चाहता हूँ कि I'm really sorry. मुझे बहुत सारे लोगों ने रोज DM करते हैं, रोज बोलते हैं live आओ हमसे बात करो. And मैं due to some reason live नहीं आ पा रहा था. Thanks to you, because of you आज मैं पूरे family से मिल रहा हूँ और सबके साथ बात करने के लिए मुझे टाइम मिलेगा आज आपके साथ, और हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत फन करने वाले हैं. तो जो भी आपके जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, यू कैन आस्क मी, यू कैन आस्क हिम, ही विल आस्क मी. सो लेट्स स्टार्ट. Yes, you can, all you viewers there, I would say that they can pen down all the questions in the question box, and some of them have already sent them also. You have a huge fan base. Yes, very engaging, very interactive there. I'm so blessed, I am. Yes. Okay. Kanan, so firstly, I would just love to know ki aapki abhi tak ki acting journey kaisi rahi? Kitne saal aapko, I think, ho gaye? Mujhe industry mein ho gaye approx 14 years. और 14 साल की जर्नी बहुत अमेजिंग रही, और मुझे बहुत प्यार मिला, मुझे मेरे फैंस ने बहुत सपोर्ट किया हर बार, और मेरे हर कैरेक्टर, हर रोल को उन्होंने पसंद किया. मैंने कोई भी कैरेक्टर किया, कोई भी रोल किया, वो उनको हमेशा पसंद आया, और मुझे हमेशा इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या और सोशल साइट्स पे मुझे सारे फैंस मुझे बहुत सहराते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम के लिए. तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि उन्हें मैं पसंद आता हूँ, और उनकी वजह से ही हम हैं यार, उन्हीं की वजह से हम चल रहे हैं. बिल्कुल, या बिल्कुल, वो आपको सेल्फ बूस्ट एक दे देते हैं, आपको एक, आप और एंथुसियास्टिक हो जाते हो कुछ भी और अच्छा करने के लिए. आपको आपको ना मजा आने लग जाता है काम करने में, जब आपके फैंस आपको सपोर्ट करते हैं ना, तो आपको और अच्छा लगता है, और पावर मिलती है, और चीज और कैरेक्टर को अच्छे से निभाने की शक्ति मिलती है आपको, कि आप उसको बहुत इंजॉय करते हो फिर. और आई थिंक ये बहुत, आप बहुत टाइम बाद लाइव आ रहे हो, एंड यू नो दिस काइंड ऑफ, हां बहुत टाइम बाद लाइव आ रहा हूँ, और तभी मैंने बोला थैंक्स टू यू, बिकॉज ऑफ यू मैं आज लाइव आ रहा हूँ. एंड यू नो आप पर्टिकुलरली भी, यस यस, टेक योर टाइम, या टेल मी, क्योंकि आप पर्टिकुलरली भी रिप्लाई नहीं दे सकते, यू नो, क्योंकि आपके इतने सारे फैंस हैं, एक एक्टर के लिए, एक सेलेब के लिए बहुत टफ हो जाता है. नहीं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने सारे फैंस को, उनसे बात करता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, उनको रिप्लाई करता हूँ मैं हमेशा, और उनसे कनेक्टेड रहता हूँ. और मुझे बड़ा मजा आता है उनसे बात करने में, उनके मुझे अच्छे व्यूज भी मिलते हैं, उनके मुझे बुरे व्यूज भी मिलते हैं, तो मैं सबको एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं उसको इम्प्रूव करने की भी कोशिश करता हूँ, तो मुझे मजा आता है. मैं सबको, मोस्ट प्रॉब्लम मैं कोशिश करता हूँ, मैं सबको रिप्लाई करता ही हूँ. तो कल कैसे, मतलब आपका फर्स्ट ब्रेक क्या था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ये आपका चाइल्डहुड ड्रीम था कि यू हैव टू बिकम एन एक्टर, और हाउ इट वेंट अलोंग? सी, व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मैं पढ़ाई में आई वाज नॉट दैट ग्रेट, तो मेरी टीचर ने मुझसे क्लास में पूछा एक दिन कि व्हाट डू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, मतलब यू आर नॉट दैट ग्रेट इन स्टडीज, सो व्हाट डू वांट टू डू. सो बचपन से ये कहीं दिमाग में था कि आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर, मुझे एक्टर बनना है. तो मैंने क्लास में बोला कि मुझे ना एक्टर बनना है, तो जब मैंने बोला तो पूरी क्लास के, आई स्टिल रिमेम्बर, पूरी क्लास के स्टूडेंट्स हंसने लग गए कि क्या बोल रहे हैं, मतलब किसी को डॉक्टर बनना होता है, इंजीनियर बनना होता है, किसी को कुछ बनना होता है, ये क्या कह रहा है एक्टर बनना है. बस वो तब से शुरू हुआ, और 2007 में मैं बॉम्बे पहुंचा, और बॉम्बे पहुंच के मैंने अपना करियर की शुरुआत की. और फर्स्ट ईयर तो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि एक नई जगह थी, नया करियर था, और कुछ नहीं पता था. पर वो फर्स्ट ईयर जैसे जैसे खत्म हुआ, उसके बाद से जर्नी स्टार्ट हुई, और अब तक टच वुड
बहुत अच्छा और बहुत प्यार मिलता है और बहुत मजा आता है मुझे काम करने में, एंड आई रियली लव माई जॉब और मुझे बहुत मजा आता है काम करने में. Yes, but I am extremely happy कि आपकी ये जर्नी, बहुत कुछ आपने इस जर्नी में सीखा भी होगा, you know, क्योंकि इनिशियल स्ट्रगल्स होते हैं. आप कुछ भी किसी भी एक फील्ड में जाओ, उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं तो आपको अपने खुद एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, और स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, पार्ट ऑफ द लाइफ. तो आई थिंक, और आई मीन जो जिस काइंड का आपको रिस्पॉन्स मिलता है, ऑफकोर्स यू योर ऑनलाइन प्रेजेंस इज अमेजिंग, यू नो डेट्स वाई यू हैव वर्कड ऑन योर सेल्फ आई थिंक. और वो तभी आपको यू नो फैंस से भी रिस्पॉन्स मिल पाता है, वो इतने ज्यादा अच्छे से रिकनेक्ट कर पाते हैं आपसे. बिल्कुल बिल्कुल यार, आपको किसी भी काम को शुरू करने के लिए उसके लिए वर्क तो करना ही पड़ता है, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ता है, उसके लिए आपको अपने आप को ग्रूम करना पड़ता है. इट्स नॉट अबाउट एक्टिंग, इट्स इन एनी प्रोफेशन, कि आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको उसके लिए ग्रूम करना पड़ता है अपने आप को. एंड वक्त के साथ साथ मेरा ये मानना है कि आप चीजों को देख देख के कर करके सीखते हैं, एंड आप अपने आप को उस चीज में ढालना शुरू करते हैं. आप कभी किसी कोई कैरेक्टर होता है तो आप उस कैरेक्टर को जब प्ले कर रहे होते हैं तो आप फर्स्ट कभी भी आप देखेंगे पहले 2-3 बार आप उस कैरेक्टर को समझ ही रहे हैं और प्ले कर रहे हैं, पर कुछ टाइम बाद आप उसमें बहुत माहिर हो जाते हैं प्ले करते 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 करते, तो वो देख के समझ के. और फिर एक एक्टर की लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ऑब्जर्वेशन. अगर आप अच्छे ऑब्जर्व करते हैं ना चीजों को, तो नॉट फॉर एक्टर, फॉर एवरीवन, कि एक कैरेक्टर ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है. एक इंसान को ऑब्जर्व करो, फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं बचपन का कोई सेव होता है कैरेक्टर, कोई इंसान, और आप वो आप कनेक्ट उस इंसान को अपने जहन में लाते हो और आप उसको और अपने आप को मिला के एक कैरेक्टर बनाते हो. तो वो ऑडियंस को छूना चाहिए, मतलब मेरा मानना यह है कि एक कैरेक्टर एक ऑडियंस को छूना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए यार ये तो मेरे साथ भी हुआ हुआ है, ये चीज तो मेरे साथ हुई हुई है, तो ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट होती है. बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री. और तभी वो एक रियलिस्टिकनेस दिखती है, यू नो, क्योंकि एक स्टोरी पे भी डिपेंड करता है, फिर एक्टिंग पे भी डिपेंड करता है, बट तभी वो एक प्रोडक्टिव आउटकम आ पाता है, जो एक मैसेज भी दे, जो एक थीम भी दे, और वो एक आपकी प्लेस भी घर कर जाए फैंस के ग्लोब में. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स ट्रू. यस, और ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि यू नो आप किसी भी फील्ड में अपना टाइम अगर यूटिलाइज कर रहे हो ठीक से, आप उस फील्ड में अपना टाइम दो, बस आप खुद को अपना सेल्फ वर्क करो, सेल्फ एनालिसिस करो. सेल्फ रियलाइजेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किस सही ट्रैक पे जा रहे हो, नहीं जा रहे हो. सो आई थिंक ये प्रॉपर सुपरविजन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. और लोग आपको, मतलब लोग भी हैं आपकी लाइफ में, मतलब जो लोग आपकी लाइफ में होते हैं या जो आपकी प्रोफेशन जगह पे, प्रोफेशनल जगह पे जो लोग होते हैं, वो भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं. और आप सबके व्यूज, सबकी चीजों को वेलकम करना सीखो लाइफ में सबसे पहले, तो तभी आप किसी चीज को बहुत अच्छे से सीख पाओगे. अगर आप कहोगे नहीं जी मुझे तो सब आता है, आई कैन डू लाइक एवरीथिंग, नहीं चलता किसी भी फील्ड में, नहीं चलता. तो सबके व्यूज को, सबके सब चीजों को वेलकम करना बहुत जरूरी है. बिल्कुल. तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन ले लेता हूँ. कि हाय हाय, युधिष्ठिर और विष्णु, व्हिच इज योर फेवरेट कैरेक्टर टू प्ले? सी, दोनों कैरेक्टर्स मेरे लिए बहुत मजेदार थे और मुझे बहुत मजा आया दोनों कैरेक्टर्स प्ले करने में. और दोनों में फन पार्ट ये था कि विष्णु जी का तो फन पार्ट ये था कि उनको कलर होता था, एंड ब्लू कलर के विष्णु भगवान वो अपने आप ही लगते थे कि ये विष्णु जी हैं. और एक ठहराव था दोनों कैरेक्टर्स में, एक मतलब आई रियली एंजॉयड प्लेइंग विष्णु जी एंड युधिष्ठिर बोथ कैरेक्टर्स, और मुझे बहुत मजा आया दोनों कैरेक्टर्स प्ले करने में. मतलब दोनों कैरेक्टर्स मेरे दिल के बहुत करीब हैं. मैंने विष्णु जी 2 बार प्ले किया है, युधिष्ठिर भी मैंने 2 बार प्ले किया है, तो मुझे बहुत मजा आता है, मतलब मुझे बहुत मजा आया वो कैरेक्टर्स प्ले करने में. Yes. और इन टाइप के मैथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल शोज में अलग वाइब्स भी मिलती हैं, स्टोरी भी डिफरेंट होती है, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है, क्योंकि आपको वो चीज प्ले करनी. हाँ, आप उन कैरेक्टर्स के साथ ना खेल नहीं सकते ज्यादा, क्योंकि वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, वो कैरेक्टर्स ऑलरेडी लोगों के जहन में है, लोगों ने पढ़ रखे हैं, लोगों ने देख रखे हैं, ये हमारी हिस्ट्री माइथोलॉजी ये सब पहले की लिखी हुई है, किताबों से ही उठाई जा रही है, किसी ने देखा तो है नहीं. तो वो कैरेक्टर एक किसी के जहन में कोई एक कैरेक्टर बस जाता है ना, तो आप उन कैरेक्टर्स को उसी जोन में खेल सकते हो, आप कुछ अलग नहीं कर सकते ज्यादा उन कैरेक्टर्स के साथ. तो वो समझना बहुत जरूरी है.
ज्यादा आप ट्विस्ट एंड टर्न्स उसमें नहीं दे सकते वरना वो उतना फिर रियल नहीं रहेगा. करेक्ट, बिल्कुल. यस. अच्छा इसमें बहुत हाई कॉस्ट्यूम्स भी होती हैं तो कितना बहुत घंटे लगते होंगे आई थिंक. यार अप्रोक्स 1.5-2 घंटे लगता है रेडी होने में आपको कॉस्ट्यूम, और कॉस्ट्यूम बहुत वेटेड होते हैं, लाइक 18-19 केजीज के कॉस्ट्यूम्स होते हैं एंड सारा दिन आपको कैरी करना पड़ता है. और कॉस्ट्यूम से ज्यादा डिफिकल्ट तो मतलब कॉस्ट्यूम तो है ही एक पार्ट, पर उसके बाद लैंग्वेज है जो वाकई बहुत डिफिकल्ट होती है जब आपको वो परफॉर्म करना पड़ता है. तो सब चीजों को मिक्स करके जब आपको परफॉर्म करना पड़ता है तो परफॉर्मेंस थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, पर एक एक्टर की जॉब है तो ये तो हमारा काम है, ये तो करना ही है, वी हैव टू डू. यस. ओके. आयुषी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे टाइप किया है कि प्लेइंग माइथोलॉजिकल रोल्स रेस्ट्रिक्ट यू फॉर ओनली माइथोलॉजिकल सीरियल्स, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आई थिंक एक मिथ बन चुका है. ये पहले होता था क्योंकि पहले जब रामायण आई थी, पहले जब महाभारत आई थी, तो वो कैरेक्टर्स को, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो जो हिंदुस्तान में लोग हैं वो उनको इतना पूछते हैं, उनकी इतना पूजा करते हैं कि वो उनके दिमाग, क्योंकि उन्होंने देखे तो है नहीं ना विष्णु जी कैसे थे, किसी ने नहीं देखे. तो अब विष्णु जी जो भी देख रहे हैं वो टीवी में ही देख रहे हैं, तो उनके लिए वही विष्णु भगवान हो गए. ये मेरे साथ एक बार अभी भी हुआ मेरे साथ पीछे, मैं किसी वेडिंग पे गया और उनपे उनके घर में कोई दादी थी उनकी, तो वो जब मैं पहुंचा तो वो थाल लेके आ गई, पूरा दिया विया सब. तो मैंने कहा आंटी जी आप क्या कर रहे हो? तो आंटी जी कहती नहीं आपने, आप विष्णु जी हो. तो मैंने कहा नहीं आंटी जी मैं एक एक्टर हूं, मैंने एक किरदार निभाया है. तो मतलब आज भी लोगों के दिमाग में ये है, पर अब एज एन एक्टर वो चीज खत्म हो चुकी है, अब लोग नहीं उस पर ज्यादा बिलीव करते. आपको सारे रोल्स मिलते हैं, आप सारे कैरेक्टर्स प्ले करते हो, आप हर तरीके का कैरेक्टर मिलता है, चाहे माइथोलॉजी करो चाहे आप सोशल जीसी शोज करो, हर चीज हर टाइप का कैरेक्टर आपको मिलता है. मतलब अब नहीं है वो, पहले होता था. यस. और अब लोग ये बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि इट्स जस्ट अ एक्टर जॉब, कि आपको हां डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिफाइड कैरेक्टर्स करने हैं, आप फॉर द सेक ऑफ इट कर रहे हो. So, इसका मतलब ये नहीं है कि एक स्टीरियोटाइप बन जाएगा. और अब तो प्रोड्यूसर्स राइटर्स भी और अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं एक्टर्स को, आई थिंक विद द एडवेंट ऑफ दिस ओटीटी या वेब सीरीज, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है इसके ओटीटी के आने से. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ओटीटी ने तो बहुत ज्यादा मार्केट कैप्चर कर लिया इस वक्त, और अब लोग पसंद भी करते हैं. अब क्योंकि अब पेंडेमिक सिचुएशन है, कोविड चल रहा है, लोग बाहर नहीं जा सकते, लोग थिएटर्स नहीं जा सकते, तो लोगों के पास ऑप्शन सिर्फ ओटीटी का बचा है, इसलिए ओटीटी अब मार्केट बहुत ज्यादा पिक कर चुकी है. और लोगों को घर बैठे कंटेंट देखने को मिल रहा है, अच्छे अच्छे कंटेंट्स बन रहे हैं, और बाकी बहुत अच्छा काम कन्वीनियंट है, कन्वीनियंट है लोगों के लिए. आपने नेटफ्लिक्स लगाया, अपना बहुत सारे ऑप्शंस मिले आपको, आपने प्राइम लगाया आप, सो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं उसमें. और अब तो फिल्म्स भी ओटीटी पे आने लग गई हैं. और आई थिंक जॉनर भी बहुत डिस्टिंग्विश्ड है, मतलब हर टाइप का आपको मिल जाएगा, बीट हॉरर, बीट रोमांस, बीट फिक्शन, हर चीज. जो इस भी टाइप का बंदा है, जो भी उसे चाहिए वो सर्च करके ढूंढ सकता है. करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही. यस. एंड करना, हाउ इट वाज योर लॉकडाउन पीरियड, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा लास्ट ईयर, और क्या क्या कुछ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपना पैशन डिस्कवर कर लेते हैं, तो कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? यार लास्ट ईयर तो बहुत मजा आया मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लास्ट ईयर तो क्योंकि हमें टाइम नहीं मिलता लाइफ में कुछ भी, मतलब आप सारा टाइम शूटिंग्स पे रहते हो या सारा टाइम काम में बिजी रहते हो. तो जब लास्ट ईयर लॉकडाउन हुआ तो मुझे बहुत बहुत मजा आया लॉकडाउन में. मैंने बहुत टाइम पास किया अपने साथ बैठा, बहुत चीजें समझी लाइफ में, बहुत चीजें करी, अलग अलग डिफरेंट चीजों को मैंने ट्राई किया. कुछ चीजों में मैं फेल हुआ, कुछ चीजों में मैं पास हुआ, तो मुझे बड़ा मजा आया लास्ट ईयर. इस ईयर थोड़ा सा पेनफुल है कि इस ईयर बहुत सैड, बहुत ज्यादा सैड सिचुएशन हो गई है. बहुत सारे लोग जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड, बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है बिकॉज ऑफ कोविड. तो मेरी फैमिली में भी बहुत सारे लोग एक्सपायर हुए बिकॉज ऑफ कोविड. तो इस ईयर थोड़ा सैड रहा, पर अब यही है कि जल्दी खत्म हो ये सब और सब चीजें वापस ट्रैक पे आए, लोग वापस ट्रैक पे आए एंड सब चीजें नॉर्मल हो लाइफ में. यस बिल्कुल. आई आल्सो सिंसियरली होप दिस, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत पैथेटिक टाइम. हेलो सुशांत, हाउ आर यू? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. यस. यहां पे करण ओके 20. ये पूछ रहे हैं, प्लीज टेल मी अबाउट योर फिटनेस एंड स्किन केयर.
यार कुछ भी नहीं है, ये नेचुरली है, स्किन तो पेरेंट्स से मिली हुई है तो ये तो नेचुरल है। और फिटनेस के लिए ज्यादा कुछ मैं करता नहीं हूँ, थोड़ी बहुत रनिंग कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ वर्कआउट करने में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पहले मुझे बड़ा मजा आता था, पर अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि अब ऐसी सिचुएशन में बैठे हुए हो लाइफ में, आप लॉकडाउन में बैठे हुए, तो आप थोड़ा सा वैसे ही लेजी हो जाते हो, दिन रात पता नहीं चलता आजकल कि कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, कब क्या कर रहे हो, रूटीन बिल्कुल खराब हो चुके हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं करता मैं, थोड़ी बहुत रनिंग कराता हूँ, वॉक कराता हूँ, थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करने के लिए, और स्किन मेरी बचपन से ही ऐसी है, तो इसके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, ब्लेस्ड। फॉर श्योर. एंड करेंटली यू आर इन दिल्ली, राइट? सो हाउ इज इट जी जी गोइंग? जी लाइक ऑब्वियसली क्योंकि एक्टर्स की लाइफ में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, फैमिली टाइम उतना नहीं मिल पाता है, सो यू मस्ट बी एंजॉयिंग विद योर मैं फैमिली. बड़े टाइम बाद, मतलब पिछले लॉकडाउन में भी मैं दिल्ली में ही था। एक्चुअली मुझे पिछले साल कोविड हो गया था, तो फिर वो रिकवर करके मैं दिल्ली आ गया था, तो इस साल भी मैं दिल्ली आ गया अपनी फैमिली के साथ। अब उनके साथ टाइम पास सारा दिन हो जाता है, घर में सब कुछ कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो उनके साथ मजा आता है फिर। पर अब मोस्ट प्रोबली सुनने में आ रहा है कि खुल जाएगा सब, तो फिर वापस बैक टू वर्क, बैक टू पवेलियन। ओके, समवन इज टाइपिंग हियर, इट डजंट सीम लाइक यू आर लेजी. नहीं मतलब लेजी इज नॉट सेंस, पड़े रहे हैं जी, सो रहे हैं जी, उठे ही यस, नहीं है, और इट्स ये नॉट डिपेंड दैट करता है क्योंकि ये कि लॉकडाउन की किस वजह से सिचुएशन में आप। फेजेस में. हाँ मतलब इट्स नॉट, मैं वैसे लेजी नहीं हूं, पर आप अभी इस सिचुएशन में आप मतलब कुछ नहीं है करने को ज्यादा। ओके. एंड कर्नल, आल्सो ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोगों से मिलता है डीएम्स में जब मैं एक्टर्स का इंटरव्यू लेता हूँ, कि कोई टिप्स, प्रोफेशनल एडवाइस, आप सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि इतने साल का आपको एक्सपीरियंस रहा इस इंडस्ट्री में, तो वो आप जो नए बिगनर्स हैं, जो नए एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जो इस फील्ड में एंटर करना चाहते हैं, उनके लिए अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहें, जस्ट अकॉर्डिंग टू सी, योर मैं एक्सपीरियंस. हर बार मैं एक बात बोलता हूँ कि आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, कुछ भी, इट्स नॉट अबाउट एक्टिंग, आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप उस पे, उस काम के लिए, उस चीज के लिए, आपको सबसे पहले तो ईमानदार होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर बिल्कुल. आप ईमानदार हो, अगर आप अपने काम को वाकई चाहते हो कि मैं लाइफ में कुछ करूं, या मैं लाइफ में कुछ ऐसा कर जाऊं जो मैं करना चाहता हूं, मैं उसको पूरा, अपने ड्रीम्स को पूरा करूं, तो उसके लिए आपको एक तो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है लाइफ में, बिकॉज लाइफ में आपको उसके लिए मेहनत करनी बहुत जरूरी है। कुछ भी बैठे हुए नहीं मिल सकता लाइफ में, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर थिंग्स, और उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, और कभी भी सैड नहीं होना चाहिए कि यार ये नहीं हुआ, वो कभी मत करो आप कि यार ये नहीं हुआ मेरे साथ, यार मैं ये कर सकता था पर नहीं हुआ, नहीं, उससे सीखो आप कि ये क्यों नहीं हुआ, क्या कमी रह गई मेरे अंदर, और उस कमी पे आप काम करो, तो शायद आप उसको और इम्प्रूव करके और अच्छे से और तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं ये कहता हूं कि जस्ट बी ऑनेस्ट और कोशिश करते रहो और ईमानदारी के साथ काम करो, बिल्कुल सच्चे दिल के साथ। अगर आप अपने काम पे हो तो अपने काम को फिर 100% अपने काम को दो, फिर उस वक्त के बीच में, वो 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे, उस टाइम के बीच में कोई चीज नहीं आनी चाहिए, ना फैमिली आनी चाहिए, ना फ्रेंड्स आने चाहिए, ना कोई आपका कोई थॉट आना चाहिए, इट्स जस्ट योर वर्क। लाइक घोड़ा, एक घोड़ा होता है ना, उसपे नाल बांध दी जाती है पैरों पे, और उसका डेडिकेटेड फेस रहो. ढक दे, एग्जैक्टली। तो बिल्कुल आप अपने लक्ष्य पे बिल्कुल अटल रहो, मतलब। दैट्स वंडरफुल मैसेज, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस. और ये सक्सेस फेलर दोनों पार्ट है लाइफ का. कभी कभी ऐसा होता है कि फेलर से इंसान इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो सिर्फ ओवर थिंक करने लगता है उसी के बारे में, और उससे फिर वो आगे इंप्रूव नहीं कर पाता. तो यू सेड इट वेरी राइट कि आप इंप्रूव, अपग्रेडमेंट करो अपना, अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ो. कई बार हम प्रोफेशन भी गलत चुन लेते हैं, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम खुद ही प्रोफेशन गलत चुन लेते हैं, हमें लगता है हम कर सकते हैं पर कहीं अंदर वो हम नहीं कर सकते, हमारी, हम कुछ और बेहतर, कुछ और कर सकते हैं, वो हमें पता नहीं चलता। तो कीप ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स इन योर लाइफ कि आप क्या, किस चीज में क्या बेहतर कर सकते हो, और उस चीज पे आप ज्यादा जोर डालो। बिल्कुल. कभी कभी ऐसा होता है लाइक 12th के बाद, स्ट्रीम कुछ भी हो, बट वो एज यू सेड कि वो काउंसलिंग उस टाइम सही नहीं हो पाती, और हम गलती से बाय मिस्टेक इन उसमें पड़ जाते हैं, इसीलिए हम कुछ हद तक उसमें अपना बेस्ट नहीं दे पाते. बट करेक्ट, आई थिंक वो एक आपको पूरी एक मैनेजरियल अप्रोच फॉलो करनी चाहिए.
अब लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि कई बार उनको वो एक काम करना नहीं होता, पर प्रेशर में आके, फैमिली प्रेशर में यस आके, चीजों के प्रेशर में आके उनको वो काम करना यस पड़ता है, तो दे डोंट एंजॉय, बस वो कर रहे हैं, मतलब कि करना है यार, लेट्स डू इट, चलो अब करना ही पड़ेगा यार, मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो कर रहे हैं। तो ऐसा ऐसा मत करो अपने साथ यार, एक ही लाइफ है तो जियो एंड खुश रहो, बेसिक तो यही है लाइफ का यस फंडा। और आपने एक बात और बहुत अच्छी कही कि एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए बीच में, बिटवीन योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, वो मिक्सअप एग्जैक्टली ना हो. यू नो, अगर वो मिक्सअप हो रहे हैं तो ना आप दोनों में से कोई भी इंजॉय नहीं कर पाओगे. नहीं कर पाओगे आप। एग्जैक्टली यस एंड सर, आयुषी यहाँ पे पूछ रही है, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क और अ बैलेंस बिटवीन बोथ, व्हाट डू यू बोथ सजेस्ट फॉर बिगनर्स? यस बोथ स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क बोथ। अगर आप स्मार्टली वर्क करोगे और आपको काम ही करना नहीं आता तो वो भी वर्क नहीं करेगा, अगर आप हार्ड वर्क यस करोगे और स्मार्ट नहीं होगे तो वो भी वर्क नहीं करेगा। तो आपको दोनों का बैलेंस करके चलना चाहिए लाइफ में। स्मार्ट वर्क आपको आना चाहिए कि आप अपने काम को कैसे स्मार्टली कैसे कर सकते हो। स्मार्ट वर्क ये नहीं कि आप चंट चालू बन जाओ, कि आप मतलब स्मार्टनेस ये हो गई कि मैं किसी को नुकसान दू, मैं किसी के साथ गलत कर दू, या मैं कुछ ऐसा कर दू, वो मत करो, बट आप बेस्ट अपना बेस्ट दो और दोनों बैलेंस करके चलो लाइफ में। जी बिल्कुल सही कहा आपने, आई कंप्लीटली एग्री कि स्मार्ट वर्क सिर्फ यही है कि आप उसे कम टाइम में कर पा रहे हो या जल्दी स्मार्टली कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ दैट मेंटल एटीट्यूड. यू नो, आई थिंक हार्ड वर्क इज रिफ्लेक्टेड इन योर दैट फिजिकली एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड इन योर मेंटल. तो आई थिंक करेक्ट, हार्ड वर्किंग अगर आप नहीं हो तब आप स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते. पहले आपको नहीं हार्ड कर वर्क ही सकते, करना होगा, पहले आप ज्यादा टाइम में करोगे, बाद में कम टाइम में करोगे. करेक्ट वही है ना, वो आप सीखते 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 सीखते, वही गाड़ी चलाना, आप फर्स्ट टाइम चलाते हैं तो डिफिकल्टी होती है, सेकंड टाइम जाते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, फिर 10th टाइम चलाते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ आप चला रहे हैं, फिर कुछ ओवर ऑफ इयर्स कुछ सालों बाद ऐसा लगता है कि हाँ भाई अभी मुझे गाड़ी चलानी आ गई है, बढ़िया, और आप फिर कॉन्फिडेंट हो मतलब जाते हैं. कॉन्फिडेंट हो जाते हो आप बिल्कुल, और फिर कुछ टाइम बाद आप बिल्कुल ऐसे बिंदास गाड़ी चलाते हो, गियर भी अपने आप डलता है, स्टेयरिंग भी अपने आप संभलता है, तो सेम है आप लाइफ भी, यही सेम प्रोसेस है कि एक काम अगर आप कर रहे हो तो उसको करते 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 आप उसमें इंप्रूवमेंट कर ही जाते हो। बिल्कुल. और एक चीज है कि आपको पेशेंस रखनी है. आजकल जनरली यूथ के साथ, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि वो पेशेंट नहीं है. दे आर बिलीविंग इन दैट ओवरनाइट सक्सेस. तो आई थिंक सक्सेस भी दो हाँ टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म सक्सेस और लॉन्ग टर्म सक्सेस. आप लॉन्ग टर्म पे बिलीव रखो और उस सक्सेस के ऊपर करेक्ट आपको टाइम लगेगा. तो आप इतनी करेक्ट जल्दबाजी में मत रहो, या कभी कभी पैनिक भी हो जाते हैं लोग कि हम अपना पूरा हार्डवर्क कर रहे हैं बट फिर भी वो आउटकम, वो प्रोडक्टिव आउटकम, रिजल्ट हमें क्यों नहीं मिल रहा है. सो आई क्यों थिंक नहीं मिल वो रहा है, हार्ड वर्क पेज ऑफ ऑलवेज, सो बिलीव इन इट. ऑलवेज 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 सी वो ये आपकी बात से ना बात आ गई लक कि यस आपका लक, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक किसी भी प्रोफेशन में डेस्टिन. कि डेस्टिनी आपका लक कितना आपका साथ देता है, क्योंकि आप कितना मर्जी हार्ड वर्क करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अगर किस्मत में ही नहीं है तो फिर उसका कोई यूज ही नहीं है, बिल्कुल वो वेस्ट हो रहा है वो वक्त वो चीज। तो लक भी यस इक्वली इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, स्मार्टली काम करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो सब चीजों को बैलेंस करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं मिलती लाइफ में, मतलब आप कहो कि मैं सुबह उठूं और मेरे सिक्स पैक्स बन जाए, नहीं होगा ऐसा। आप कहो मैं सुबह यस वो उठूं और रिगोरस मैं प्रैक्टिस चाहिए. यू नीड टू डू प्रैक्टिस, यू हैव टू डू प्रैक्टिस, मतलब देयर इज नो ऑप्शन, मतलब आप एक दिन ज्यादा कर सकते हो एक दिन कम कर सकते हो, पर आपको यस रेगुलरली वो इतना करना कर ही सकते हैं. पड़ेगा, और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है. कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क स्मार्ट, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू हैव टू कीप गोइंग, लाइक चलते चलो बस। ये कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम सिर्फ ए सक्सेस पाने से एक स्टेप पीछे ही रुक जाते हैं. यू नो, वही हम बिल्कुल गिव अप कर जाते हैं और वो रह जाता है. वही एक डिफरेंस है सक्सेस और फेलर में. सो आई थिंक आपको कंटिन्यूअस रहना है, ऑनगोइंग रहना है. पर आपको साथ साथ ये भी ट्राई करते रहना है कि मैं अगर एक चीज में फेलियर मुझे बार बार मिल रहा है तो मैं उस चीज को थोड़ा सा कम करके किसी और चीज में भी ध्यान दूं, ताकि मैं अपनी लाइफ में बैलेंस करके चलूं, कि मतलब अगर मैं कोई काम कर रहा हूं और मुझे वो काम में ज्यादा सक्सेस नहीं मिल रही है, मतलब वो चल रहा है, मतलब
हो रहा है, मतलब उसमें आप ज्यादा यू आर नॉट गेटिंग दैट कि हाँ भाई सक्सेस मिल रही है, तो आपको साइड बाय साइड कुछ और भी देखना चाहिए लाइफ में कि मैं और क्या कर सकता हूँ कि मैं बैलेंस लाइफ को करके चलूं और मैं दोनों चीजों में हमेशा खुश रहूं करते हुए. एग्जैक्टली. और आप अपना पैशन भी मत छोड़ो, पैशन भी फॉलो करो, यू नो, साथ के साथ प्रोफेशनली आप कुछ भी करो, उसके साथ साथ आप अपनी हॉबीज, लेजर टाइम एक्टिविटीज, आप उन्हें फॉलो करो, वो आपको वो इनर सेटिस्फेक्शन देंगी. सी, मुझे अभी लॉकडाउन में एक चीज समझ में आई कि आप अपने अंदर का ना बच्चा मत खो, जो हम बचपन में थे ना, ये होता है इंसान के साथ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो जिम्मेदारियों के तले, हाँ मतलब वो बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है लाइफ में और बहुत ज्यादा ऐसा हो जाता है कि यार वो अपना बचपन खो देता है एक इंसान. तो कहते हैं कि अपना, ये मुझे लॉकडाउन में अभी महसूस हुआ कि आप अपना बचपन मत खो, आप वो बचपन कहीं ना कहीं रखो अपने अंदर, उससे आप लाइफ में और आगे बढ़ोगे, उससे आप खुश रहोगे. मतलब वो बच्चों वाली हरकतें थोड़ी थोड़ी नहीं, ज्यादा मत करो, थोड़ी बहुत करते रहो लाइफ में, तो दैट विल गिव यू स्ट्रेंथ कि और करने की चाहत और करने का जज्बा आपके अंदर पैदा होगा उससे. बिल्कुल. और एक वो आपको एंथुसियाज्म भी देंगे. हाँ, और लाइफ में मेरी, मुझे एक बात बताओ, हम किसी भी चीज का, किसी भी चीज के लिए प्रेशराइज होते हैं कि यार ये क्या हो गया लाइफ में, यार ये तो नहीं होना चाहिए था. तो क्या वो प्रेशराइज होने से वो चीज ठीक हुई? नहीं, वो ओवर द टाइम ठीक होगी, अपने आप ठीक होगी, जो होगा. सी, वही डेस्टिनी है, जो लिखा हुआ है वो होना है, चाहे वो गलत तरीके से हो, सही तरीके से हो, बट वो होना ही होना है. तो आप हर चीज में इतना सीरियस मत हो लाइफ में, इतना चीजों को थोड़ा सा लाइट लेके चलो और बस चलते रहो, अपना एंजॉय करो लाइफ, क्योंकि इट्स जस्ट वन लाइफ एंड यू शुड, या इट्स अ ब्लेसिंग. यस. और कभी कभी हम इस चक्कर में पड़ के, यू नो, हमारी, हम अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी बर्बाद कर लेते हैं ओवरथिंक करके, या एंजाइटी के, डिप्रेशन के केसेस आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि वो एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं. मतलब वो उनका, आप, अब मैं रोज एक काम करूंगा, रोज एक काम करूंगा, रोज एक काम करूंगा, रोज एक काम करूंगा, तो वो काम जो मैं कर रहा हूं उसका जो आउटपुट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा. Yes. आप समझ रहे हो, जैसे मैं रोज, अब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, सपोज मैं वर्कआउट पे लेता हूँ, मैं रोज भाग रहा हूँ, रोज भाग रहा हूँ, रोज भाग रहा हूँ, तो जो शुरू के 2 महीने मुझे रिजल्ट मिला उससे, अब वो आगे के 4 महीने बाद मुझे वो इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं देगा, अब उसके लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा टू गेट मोर आउटपुट, मोर रिजल्ट. तो ये लोगों को समझ में नहीं आता कि अरे हम एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं या हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, बस क्योंकि वो उस फ्लो में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, और जाते 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 उनको समझ में नहीं आता, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि अरे आपको तो डिप्रेशन है, आपको तो ये है, आपको ये प्रॉब्लम हो गई. तो ये होता है, तो आपको समझना बहुत जरूरी है. वही ऑब्जर्वेशन की बात आ गई कि आपको अपने दिमाग को, अपनी आंखों को, अपने कान को, हर चीज को बिल्कुल देखते हुए चीजों को चलना है लाइफ में. और डिप्रेशन लेने से, एंजाइटी होने से कुछ नहीं होने वाला, आप अपनी हेल्थ खराब करोगे और नुकसान आप ही का है, मतलब किसी का नहीं है. यस, दिस इज द रोबस्ट पॉइंट दैट यू शेयर्ड, यू नो, क्योंकि आपको हेल्थ के अवेयर भी होना बहुत जरूरी है. आई थिंक इससे, कोविड से, लॉकडाउन से, लोग हेल्थ के प्रति और ज्यादा सेल्फ अवेयर हो गए. और कोई भी एक है एंजाइटी या डिप्रेशन, उसके सिम्टम्स आपको पहले तो पता हो, उसके बाद आपका अच्छा वो ट्रीटमेंट हो सकता है. तो जैसा आपने कहा कि वो सिम्टम की नॉलेज, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना इस फील्ड में, हेल्थ में, एजुकेशन में, हर डोमेन में, वो आई थिंक बहुत नेसेसरी है. बहुत, तो आपको वही, आपको एक्सप्लोरेटिव होना है. एग्जैक्टली, मतलब वही है कि आप, सी, जब हमें समझ भी आ जाता है ना लाइफ में ये गलत हो रहा है हमारे साथ, कुछ लोग होते हैं कि वो करते चलते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनको आदत हो जाती है. आपको वो समझने की बहुत जरूरत है कि नहीं, हमें कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, क्या करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस. एंड करण, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, लोग वेट कर रहे हैं अभी, कब वो आपको देख वेब सीरीज की शूट चल रही थी, अभी 2 वेब सीरीज की शूट चल रही थी, पर अभी ड्यू टू लॉकडाउन और कोविड के चक्कर में अभी तो सब बंद है.
तो अब देखते हैं कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, तो बहुत जल्दी यस होगा, या अच्छा आएगा। क्योंकि अब बहुत अनसर्टेनिटी हो गई है, यू नो अब बहुत चीजें अनप्रिडिक्टेबल हो गई हैं, आप कुछ भी पहले से जज नहीं कर सकते, इतना ज्यादा प्री नहीं कर प्लान नहीं कर सकते, सकते, सिर्फ अपने पार्ट पे आप कर सकते हो बट एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको नहीं पता. नहीं यार मैं तो सोचता हूँ अभी अभी इस सिचुएशन में तो आप कुछ भी प्री प्लान नहीं कर सकते, आपको कल पता ही नहीं यस कल क्या होने वाला है, कल कैसे होने वाला है। किसी ने सोचा था क्या साल पहले कि कोविड जैसी एक बीमारी आ जाएगी और पूरी दुनिया को बंद कर देगी, पता नहीं कब नॉर्मल होंगी, अब आप ये भी नहीं पता। आप देखते देखते 1.25 साल हो गया है कोविड को और हमारे बीच में ही है कोविड, देखते आज तक बीच में ही है, कोई फर्क खास नहीं पड़ा। और अब इस बार तो बहुत ही वर्स्ट हो गया, इस बार तो इतना बुरा हुआ कि मैं मतलब पिछली बार तो फिर भी लोगों को समझ में था, लोगों ने प्रिकॉशंस लिया, लोगों ने अच्छे से इस बार उसको ज्यादा टैकल रेस्ट्रिक्शन हो किया। गया. इस बार तो बहुत ही बुरा हो गया, इस बार तो वर्स्ट हो गया कोविड। और बिल्कुल ये सही बात है कि ये तो अनप्रेसिडेंटेड टाइम है, बिल्कुल किसी ने इमेजिन ही नहीं किया था, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. और इवन पिछले साल के बाद भी यू नो कि एक सिर्फ यही हो रहा था कि 2020 को पीपल वर ब्लेमिंग, बट अब 2021 आ गई, अगेन थिंग्स वर हिटिंग बैक, तो अब फिर लोग की वही मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस अफेक्ट हो रही है. बिल्कुल बिल्कुल, लोग 2020 कह रहे थे वर्स्ट ईयर वर्स्ट ईयर, वो अब लोगों, अच्छा कहीं लोग, मैंने कितने लोगों से मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब कहते हैं यार 2020 ठीक था, 2021 वर्स्ट है बिल्कुल। यस तो मेन तो यहाँ पे इस साल तो ज्यादा यू नो ज्यादा डेथ्स हुई हैं बहुत, क्योंकि हम रिलेटिव्स में हाँ अपने सुन रहे हैं, नेबरहुड में सुन रहे हैं, और वो मेंटली पिछली बहुत बार टॉर्चरिंग था. कोविड जब था वो सिर्फ सुनाई देता था, अरे कोविड आया है, मतलब कोविड अब बीमारी है कोई, एक्सपीरियंस किया है लोगों ने. अब एक्सपीरियंस कर रहे हैं लोग, अपने घरों में एक्सपीरियंस कर रहे हैं लोग, लोगों के घरों से लोग जा रहे हैं, उनके परिवार के सदस्य कोविड से एक्सपायर हो रहे हैं। तो अब लोग, हर घर में कोविड है आज की तारीख में, आप सोचो यस मतलब हर घर में कोविड है, हर घर में हर इंसान किसी न किसी को कोविड है, कोई जा रहा है कोई बच रहा है। तो यही है कि आप लोग अपना प्लीज ध्यान रखो, और ये तो मैं नहीं कह सकता सेफ रहो, बिल्कुल बच के रहो, क्योंकि ये दिखने वाला तो है नहीं कि कहाँ है कहाँ नहीं है, पर फिर भी जितना आप अपने आप को सेफ कर सकते हो उतना करने की कोशिश करो, यस और कीप और एक एक्सरसाइज स्पिरिचुअल करो साउंडनेस भी बहुत जरूरी है. बिल्कुल, और एक्सरसाइज करो बिल्कुल, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो, कुछ ना कुछ वर्कआउट करो, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करो। अभी हम सब लोग बहुत घरों में बैठे हुए हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत लोग डिप्रेशन में होंगे, बहुत लोग उदास होंगे मायूस होंगे, पर अभी मायूस और उदास होने से तो कुछ होने नहीं वाला, तो अपने उस टाइम को अपने ऊपर इस्तेमाल करो जो आपने अभी तक नहीं किया हो लाइफ में। बहुत लोगों ने नहीं किया होगा लाइफ में, कि लोगों ने अपने आप को वक्त नहीं दिया होगा, लोगों ने अपने साथ वक्त नहीं गुजारा होगा, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। मतलब मैं इसको, आप इसको पॉजिटिव वे से लें तो ये बहुत बढ़िया चीज हो रही है कि आपको अपने साथ वक्त गुजारने का वक्त मिल रहा है। बिल्कुल. और जो जैसा आपने कहा कि लोग एक्सक्यूजेस देते थे, लोगों पे टाइमिंग कंस्ट्रेंट से हम ये नहीं कर पा रहे हैं, हमारी बहुत बिजी हेक्टिक लाइफ है, ओवर पैक शेड्यूल है, तो ये आई थिंक बेस्ट बेस्ट टाइम था कि आप खुद पे वर्क करो, अपनी एनालिसिस हाँ करो, और ये प्रूफ अच्छा पॉजिटिव आफ्टर इफेक्ट प्रूफ हुआ कोविड का. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कि उनके साथ लाइफ में कि आपको ये वक्त मिला तो अब आप उसको अपने ऊपर दो, फिर कल से कल कल पता नहीं फिर आप बिजी हो जाओ, फिर अपनी वही जॉब्स वही अपने रूटीन्स वही अपने काम, फिर आप कहो यार कुछ सालों बाद यार हमें तो वक्त ही नहीं मिल रहा अपने लिए। सो इट्स आप हर चीज को पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे दोनों तरफ से देख सकते हैं, नजरिया है देखने का बस। और बिल्कुल आप प्रेजेंट में जियो, यू नो वही आपको एक ओवर थिंकिंग भी नहीं होगी, आप बहुत ज्यादा पैनिक भी नहीं होगे फ्यूचर से. करेक्ट एंड कना लास्टली आई वुड एग्जैक्टली लव टू नो, क्योंकि मैंने आपके बारे में सुना, आप यू आर अ ग्रेट शेफ ऑल्सो, तो टेल अस अबाउट योर दैट कुजीन एक्सपीरियंसेस जो आपने लॉकडाउन में भी किए आई थिंक, या कैसा, हाउ यू एंजॉयड यार इट. मुझे ना बचपन से खाना बनाने का बहुत शौक है, मतलब ओके मैं, मेरी मदर कुक करती थी तो मैं उनके साथ किचन में जाके बैठ जाता था, एंड मेरी बड़ी गंदी आदत थी ये कि मैं वो गरम गरम कढ़ाई में से रोटी तोड़ के खाना, मतलब बनते बनते वो मैं बहुत करता था, तो मैं उनको जब बनाते हुए देखता था तो आई यूज टू कुक। तो अब जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो अब आप अकेले हो बॉम्बे में, मतलब जब आप पहुंचे कोई नहीं है, फैमिली आपकी यहाँ है, आप अकेले हो, तो अब आपको वक्त भी चीजें सिखाता है, तो मुझे कुकिंग वक्त ने भी सिखाई है बहुत, तो मुझे, और मेरा मतलब इट्स माय हॉबी, आई रियली एंजॉय, मेरा स्ट्रेस बस्टर है कुकिंग,
मुझे कुछ भी, चाहे मैं खाऊं ना खाऊं, लेकिन मुझे बनाने में बड़ा मजा आता है और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं ये करता रहूं। जैसे मैं तबला बजाता हूँ, तो मुझे अब तो बहुत साल हो गए, रियाज कम हो गया है, पर स्ट्रेस बस्टर है। जब मैं अकेला होता हूँ, बोर हो रहा होता हूँ, कुछ नहीं होता, तो मैं कुछ वक्त तबले के साथ बिता लेता हूँ, कभी कुछ कुक कर लेता हूँ, तो ये सब चलता रहता है मेरे साथ। Yes, and I am happy to tell you that me and my brother are also, you know, we are foodies also, and we also love to cook. ये हमारे लिए therapy type हो जाती है. Even lockdown में also हमने इस experience किया और ज़्यादा, and even we have been in the hostel life also. तो वो आ ही जाता है. जैसे you know आप दूसरे शहर में move कर रहे हो, तो you are your own boss, आपको ही मैनेज करना है, सो उससे भी चीजें जैसे सब. आपने कहा सीखना ही पड़ता है, आपको मैनेज खुद करना पड़ता है. Exactly. और आना भी चाहिए आपको, मतलब मेरा मानना है कि आपको कुकिंग वगैरह ये सब तो बेसिक चीजें हैं लाइफ में, ये तो आनी ही चाहिए, हर इंसान को आनी चाहिए, बिकॉज ये आप ही के लिए जरूरी है. सो आपने मतलब क्या क्या चीजें ट्राई करी जो बहुत हिट हुई या जो बहुत पसंद करी लोगों ने? यार मैं पंजाबी हूँ, तो पंजाबी खाना तो बेसिक हमारा वही दाल. आई यूज टू ईट चिकन मटन, तो अब तो छूट गया चिकन मटन, बहुत साल हो गए. पर पहले आई यूज टू ईट चिकन मटन, तो आई यूज टू कुक वो कोयले पे रख के मैं मटन बनाता, तो सुबह 8 बजे रखता था और वो रात को शाम को 6-7 बजे वो रेडी होता था देसी घी में. एंड वो मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह, फैमिली वगैरह सब लोग वो इतना पसंद करते थे कि every 15th day मुझे वो कुक करना ही पड़ता था घर में, तो वो मैं बनाता था. और पंजाबी खाना हो गया, फिर सैलेड्स हो गए, सब मतलब जो घर में जो बन सकता है वो मैं सब बना लेता हूँ. सिर्फ चाय मेरे हाथ की अच्छी नहीं बनती है, बाकी सब मैं बना लेता हूँ. एंड यू नो ये फूड को भी अगर हम देखें बहुत डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग टाइप के कुजींस हैं. जो भी आपको पसंद है आप ट्राई भी कर सकते हो, आप खाओ. और कैफे कल्चर ले लें हम चाहे रेस्टोरेंट्स ले लें, बहुत डाइवर्स भी है, अलग अलग अपनी डोमेन है जो बहुत फ्लरिश हो रही है आने वाले टाइम में. एग्जैक्टली ये तो है. एंड कनन इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. एनी लास्ट मैसेज दैट यू वांट टू शेयर? मैं सबको, अपने फैंस को ये बोलना चाहता हूँ, मेरी इंस्टा फैमिली को ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत प्यार देते हो मुझे, एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका. एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे ऐसा परिवार मिला है, एक ऐसे इंस्टा फैमिली मिले. या और मैं बहुत खुशनसीब हूँ. थैंक यू सो मच. एंड इसी तरह प्यार देते रहो, और अभी इस सिचुएशन में प्लीज अपना ध्यान रखो, अच्छा खाओ, वर्कआउट करो, कुछ ना कुछ करो, कोई एक्टिविटीज कुछ ना कुछ करते रहो, बिना किसी वजह के घर से बाहर मत जाओ. अगर आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है तभी जाओ. एंड प्लीज बी सेफ, एंजॉय योर लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी. Yes, that's the bestest and beautiful message that you shared. Or it was wonderful pleasure talking to you, brother. Same with and, me. Same with me. We had a very nice and frank talk. We have covered every topic, be it health, be it work, be it success, everything. Everything, I hope you enjoyed. Yeah, I love it. I'm मजा आया बहुत. And you're too good. So God bless you. Do well. अच्छे से बढ़िया अपना जो भी कर रहे हो बढ़िया से करते रहो बस. Yes. Thank you so much. And I would love to meet you also, because I am currently working from home, but I have got my location Mumbai. So whenever I will be there and you will be also there, and for then sure, we will for be sure, planning for a meetup. Sure. Most welcome, for sure. Yes. All right, Kanan. And I wish you luck in all your future projects, and just be as you are, very real and genuine. Thank you so much. Thank you. All right. See you, everyone. Have a great evening. Thank you. You too. Bye bye, guys. Much love. See you. All right. Bye. Bye bye.